कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम बात करें कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की, जिसमें सेम इनपुट वोल्टेज होती है ओपैम के दोनों टर्मिनल्स पे, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स पे सेम वोल्टेज होती है, उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि जो ओपैम्प है वो कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट कर रहा है। जो इनपुट वोल्टेज है वो कॉमन अप्लाई की जाती है दोनों टर्मिनल्स के लिए, यानी कि ये कॉमन मोड वोल्टेज है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए अप्लाई की गई है, जिसे VCM से डिनोट किया जाता है। ये जो वोल्टेज होती है वो एसी में भी हो सकती है, डीसी भी हो सकती है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ एसी एंड डीसी दोनों भी हो सकती है। जो ओपैम्प एम्पलीफायर है, क्योंकि जो ये ओपैम्प होता है वो सिर्फ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को इनपुट पे प्रोवाइड करता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस होता है। एक और सर्किट देखते हैं। ये जो सर्किट है ये विदाउट फीडबैक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का सर्किट है। अगर हम इस सर्किट को फीडबैक के साथ करें तो इसके साथ फीडबैक रेजिस्टर और R1 कनेक्टेड होगा। यहाँ पे कॉमन वोल्टेज है VCM, जो दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के लिए है, R1 और R3। R1 रेजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये R2 रजिस्टर है, ये R1 के इक्वल होगा, और ये R3 रजिस्टर है जो कि RF के इक्वल होगा, जो कि फीडबैक रजिस्टर है। इसमें हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, दो इनपुट, एक यहाँ से जाएगी एक यहाँ से जाएगी, कॉमन वोल्टेज है VCM। जो ओपैम्प है वो एम्पलीफाई करता है सिर्फ डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज को। इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज, यानी कि जो भी यहाँ पे आएगी VOCM से जिट से डिनोट करेंगे, कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज जनरेट या अपीयर नहीं होगी आउटपुट पे, क्योंकि जो इम्परफेक्शन है एक एक्चुअल ओपैम में और जो कॉमन मोड वोल्टेज है VOCM, वो जो अपीयर होगी आउटपुट पे, और इनपुट पे क्या होगा, डिफरेंशियल होगी, डिफरेंस होगी। इसमें जो गेन होता है कॉमन मोड का, उसे कैसे शो करते हैं, जिसे गेन को ए से डिनोट किया जाता है, और गेन जो होगा वो शो करेगा रेशियो ऑफ आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज टू द इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज, यानी कि जो भी कॉमन मोड आउटपुट पे आएगी और जो भी हमारे पास इनपुट पे होगी VCM, यानी कि ACM जो कि कॉमन मोड गेन को शो करेगा, VOCM आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज और VCM इनपुट कॉमन मोड वोल्टेज, इसका रेशियो होगा, जिसमें जो कॉमन मोड वोल्टेज गेन है ACM वो क्या होता है, स्मॉल होता है 1 से। और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, देखिए जो गेन होता है ACM वो स्पेसिफाइड नहीं होता, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। वो किससे कैलकुलेट करते हैं, कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज से, जो भी हमारी और जो हमारी मेजरमेंट आएगी कॉमन मोड आउटपुट वोल्टेज की, उससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसमें जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है उसे ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, जो इज इक्वल टू होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इज इक्वल टू AD। AD क्या शो करेगा, जो कि ये इक्वल होगा इंटरनल गेन की, यानी A की, और ACM जो कि हमारा कॉमन मोड गेन होगा। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और AD क्या है, जो इक्वल होगा इंटरनल गेन के। जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है उसे कुछ इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होती है रेशियो ऑफ इनपुट ऑफसेट वोल्टेज और कॉमन मोड वोल्टेज की, यानी जो भी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज होगी, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होगी, जो डिफरेंस होता है दो V1 और V2 दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो भी डिफरेंस होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अपॉन में कॉमन मोड वोल्टेज, इनका जो इसमें जो भी रेशियो होगी वो शो करेगी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को। अब देखिए कि यहाँ पे ACM इज इक्वल टू है VOCM अपॉन VCM, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ACM की, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी AD अपॉन ACM में, ACM की वैल्यू पुट कर दी कॉमन मोड गेन की, जिससे हमारे पास आया AD, ये ऊपर चला गया VCM अपॉन VOCM, ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो आई है।
और इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वी ओ सी एम इज इक्वल टू ए डी वी सी एम अपॉन सी एम आर आर। ये जो इक्वेशन है ये इंडिकेट कर रही है कि जो वैल्यू होगी कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो की अगर वो ज़्यादा होगी तो जो एम्पलीट्यूड होगा आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज का वो कम होगा अगर कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो ज़्यादा होगी। और जो कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो सी एम आर आर की जो वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है जो कि डेसिमल्स में शो की जाती है जिसे देखिए इसे डेसिबल्स में शो किया जाता है। कॉमन मोड रिजेक्शन जो कि डीबी में शो करते हैं ये स्पेसिफाई करती है कि जैसे कि जहाँ पे कॉमन मोड रिजेक्शन 20 लॉग एडी अपॉन एसीएम है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एडी अपॉन एसीएम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो कीमत है उसको हम वी आई ओ अपॉन वी सी एम भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं। जो वैल्यू होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की वो क्या होती है ओपन लूप कॉमन मोड ओपैम कॉन्फ़िगरेशन की जो कि 741 आईसी है माइक्रो ए म्यू ए 741 आईसी ओपैम उसकी जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है जो कि डीबी में होगी वो 90 डेसिबल्स होगी। देखिए हमने क्या किया था कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होती है एडी अपॉन एसीएम ये की थी और जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होगी वो सेम होनी चाहिए ओपन लूप और क्लोज लूप कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है जिसमें हमने दो डेफिनेशंस की थी एक तो ये की थी और एक ये की थी दोनों के लिए है ये इसमें हम डिग्री ऑफ मैचिंग शो करते हैं दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में। अगर हमारी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो डीबी में होती है अगर उसकी वैल्यू लार्ज होती है तो मैचिंग जो दोनों इनपुट टर्मिनल्स हैं इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों के बीच में मैचिंग क्या होगी अच्छी होगी और जो हमारी आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज होगी वो स्मॉल आएगी। और अगर हम दूसरे तरीके से बात करें अगर हमारी आउटपुट कॉमन मोड वोल्टेज ज़्यादा है तो यानी कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज से तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो इम्बैलेंस है दोनों इनपुट टर्मिनल्स के बीच में वो क्या है पुअर है लार्ज है और पुअर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमारे पास होगी और ओपैम है बेटर एबिलिटी होती है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो की जो कि 60 हर्ट्ज तक होती है जो इंड्यूस करती है 60 हर्ट्ज तक नॉइज वोल्टेज को। अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं देखिए इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर फ्रिक्वेंसी और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो में ग्राफ ड्रॉ किया जाए अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो नियर अबाउट स्टेबल रहती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी 1 के बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लग गई 10K 100K 1M तो क्या होगी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो डिक्रीज होना स्टार्ट कर देना करने लग जाती है। ये है हमारी कॉमन मोड कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you.